एमपी सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए एमपी 209 इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक क्रेन और हाइड्रोलिक जैक, इसमें इनके एप्लीकेशंस, स्पेशल सर्किट्स, इंटेंसिफायर्स का हम स्टडी करेंगे। तो इसमें वन बाय वन हम लेंगे। इस वीडियो में हम आपको इनके कार्य करने का सिद्धांत, किस प्रकार से है ये काम करते हैं के बारे में, इनके क्या एप्लीकेशन है, क्या इनके कैलकुलेशंस होते हैं स्टडी करने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वन बाय वन लेते हैं चीज़ों को। स्टूडेंट्स कृपया ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। या एप्लीकेशंस टू स्पेशल सर्किट्स इंटेंसिफायर्स, या इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के अंदर हाइड्रोलिक्स जो फ्लूड होता है उसको इंटेंसिफायर के हेल्प से हम जो हमारे दैनिक जीवन की ड्यूटीज हैं, वर्क हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक क्रैन है, हाइड्रोलिक जैक है, या लिफ्ट भी कह सकते हैं, का उपयोग हम करते हैं ये किस तरीके से। तो यहाँ परिभाषा देख करके वन बाय वन स्टेप से हम आगे चलते हैं। ए हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर इज ए हाइड्रोलिक मशीन। तो इंटेंसिफायर क्या चीज़ है? एक हाइड्रोलिक मशीन है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हाइड्रोलिक पावर एट लो प्रेशर इनटू ए रिड्यूस्ड वॉल्यूम एट हाई प्रेशर। तो ये जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर क्या हुआ, वापस देखें से विद्यार्थीगण, एक हाइड्रोलिक मशीन है जो क्या करती है, हाइड्रोलिक पावर को जो लो प्रेशर पर है उसको रिड्यूस्ड वॉल्यूम और हाई प्रेशर पर ट्रांसफॉर्म करने का कार्य करती है। तो यहाँ जो हमारा सिलेबस का 7.31, 7.32 और 7.33 है, तीन चीज़ें, इनका हम वन बाई वन स्टडी लेते हैं। 7.31 हाइड्रोलिक प्रेस विच रिक्वायर फ्लूइड एट हाई प्रेशर, इंटेंसिफायर इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग, होल्डिंग, पंचिंग, प्रेस वर्क, जैक, टॉर्क एंड रिंचेज, इनमें इनका उपयोग लिया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटेंसिफायर्स, क्या फ़ायदे हैं, लाभ क्या है? तो ये वन बाय वन हम इनके एडवांटेज लेते हैं। हायर परफॉर्मेंस एंड लॉन्गर लाइफ एन अकाउंट ऑफ ए लोअर ऑपरेटिंग प्रेशर, राइट। दूसरा, मोर कॉम्पैक्ट सिस्टम। तीसरा, ग्रेटर सेफ्टी ड्यू टू लोअर प्रेशर इन जनरल। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड वैल्यूज। नेक्स्ट, नो डायनेमिक सेल्स। नेक्स्ट, इंटेंसिफिकेशन रेशियो अडॉप्टेड टू रिक्वायरमेंट्स। आई थिंक एडवांटेज ऑफ इंटेंसिफायर सर क्लियर टू यू। व्हाट इज एन इंटेंसिफायर, इसको और ढंग से वापस बता रहे हैं। इट इज नॉन एज प्रेशर इंटेंसिफायर और प्रेशर बूस्टर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं लोअर से हायर की ओर मूव करते हैं, इसलिए प्रेशर बूस्टर भी कहते हैं उनको। इज ए डिवाइस यूज टू कंप्रेस द लिक्विड इनटू ए हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम बना हुआ है उसमें ये जो लिक्विड है उसको ये कंप्रेस करते हैं, करके प्रेशर बढ़ाता है। टू ए वैल्यू अबव द पंप डिस्चार्ज प्रेशर, कि जहाँ पंप से डिस्चार्ज होना है प्रेशर को। इट इज़ ए एनालॉगस टू ए स्टेप अप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, जो आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक वैसे ही ये है जो हमारा जो इट इज़ ए एनालॉगस टू स्टेप अप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, राइट। इसमें कुछ बातें कंटिन्यू रखते हुए, द इंटेंसिफायर इज यूजुअली लोकेटेड इट्स बिटवीन, अब ये यानी कि सिस्टम में लगता कहाँ है वो लोकेशन बताइए, बिटवीन द पंप एंड द मशीन दैट इज द प्रेस क्रैन और लिफ्ट, ये मशीन हो सकती है। तो जो पंप हमारा है मशीन का और एक एप्लीकेशन जो हम मशीन पर ले रहे हैं आउटपुट में, उनके बीच में ये लगता है। द नीड्स दैट नीड्स हाई प्रेशर लिक्विड फॉर
intensification for that operations. A liquid of very high pressure is to be developed from available low pressure. जो सिस्टम है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम बना हुआ है उसमें जो लो प्रेशर अवेलेबल है उसको ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है. तो टिपिकल एप्लीकेशंस इंक्लूड्स हाइड्रोलिक प्रेस, रिवेटिंग मशीन, स्पॉट वेल्डिंग. इनके अंदर इनका उपयोग होता है. ऑपरेशन ऑफ प्रेशर इंटेंसीफायर्स. अब ये काम कैसे करता है उसका यहाँ स्केच डायग्राम बना करके डायग्राम से दिखाया गया है. यहाँ देखें आप, एक बड़ा चैम्बर ही है, एक छोटा चैम्बर ही है. इसमें यहाँ लार्ज सिलेंडर है, ये लो प्रेशर पिस्टन कहलाता है. यहाँ लो प्रेशर एंट्री है, यहाँ से ये इसका चैम्बर है, एचिंग एरिया मुझे दिखाया गया है. ये इसका रिड्यूस्ड सेक्शन दिखाया गया है जिसमें अब चूंकि इसका वॉल्यूम कम हो गया है कंपेरिजन टू दिस, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा जब ये सेम प्रेशर को जब यहाँ से हम पिस्टन के द्वारा इसको प्रेस करेंगे दिस साइड. तो चूंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या वॉल्यूम है वो कम है इन कंपेरिजन टू दिस वन, देयरफॉर द प्रेशर विल बी इंक्रीज. यहाँ वेंट है, ये हाई प्रेशर है और इधर हाई प्रेशर पिस्टन है. ये इंटेंसीफायर चैम्बर कहलाता है ये वाला, और ये पिस्टन रॉड है जैसा कि नामांकित कर रखा है. ये डायग्राम जो बनाया है इसको देखें विद्यार्थीगण, तो आप देखेंगे कि ऑपरेशन ऑफ प्रेशर इंटेंसीफायर चित्र से क्लियर समझ में आता है. इसी कंसेप्ट को हम यूज लेते हैं कैसे, इसके कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स इन हाइड्रोलिक्स ड्राइव्स. हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव में कुछ इसके किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है. द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव जिनको हमने शॉर्ट में HSTs भी कहा है इज सिंपल. ए पंप कनेक्टेड टू द प्राइम मोटर, एक पंप को हमने मोटर प्राइम मोटर से कनेक्ट कर दिया. जनरेट्स फ्लो टू ड्राइव ए हाइड्रोलिक मोटर विच इज कनेक्टेड टू द लोड. दूसरा पार्ट जैसे हमने कहा था कि क्रेन को या लिफ्ट को या उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज लोड. It is the displacement of the pump and the motor are fixed. The HST simply act as a gearbox. अब हमने देखा mechanical जो force हम transfer करते हैं gearbox, तो speed ratio change हो जाता है, तो output increase होता है decrease as per gear ratio. तो यहाँ पर gear ratio कौन set कर रहा है, hydraulic fluid. इसी यानी कि इनका जो volume change हो रहा है उसी value के ratio के अंदर इसका output change हो जाएगा. यानी कि pressure लो प्रेशर और हाई प्रेशर का क्या रेशियो है वो डिपेंड करता है इन चैम्बर के वॉल्यूम पर, इंटरनल वॉल्यूम के ऊपर. सो गियर टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द प्राइम मूवर टू द लोड. और ये जो पावर जनरेट होती है प्रेशर के रूप में, ये हमारी प्राइम मूवर टू द लोड के ऊपर शिफ्ट होती है जो कि एक्शन पार्ट में आता है. तो मोस्ट HSTs आवर यूज ए, अब इनका अधिकतर HSTs का जो यूज है उसके बारे में, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप मोटर और बोथ सो दैट द स्पीड टॉर्क और पावर कैन बी रेगुलेटेड, राइट. अब इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या हैं एप्लीकेशंस, यानी कि इनके हमने पहले एडवांटेज बताया, हम एप्लीकेशन बताते हैं. हाइड्रोस्टैटिक इंटेंसीफायर इज यूज टू सप्लाई हाई इंटेंसिटी प्रेशर, राइट, वेयर एवरी नीडेड, वेयर यूर नीडेड. It is used when pump is not sufficient to provide high intensity pressure. Okay, जब pump जितना high intensity pressure requirement आ रही है उतना नहीं provide कर पाता, then हम intensifier लगाते हैं, right? तो pressure as per the requirement. तो it is placed between the pump, जब हमने पहले भी बताया था कि ये pump और machine which would supply high pressure fluid की मत लगाई जाती है. अब इसका कैलकुलेशन फार्मूला यहाँ दिया गया है कि ये जो चैम्बर के अंदर जो फ्लूड हाइड्रोलिक फ्लूड जैसा कि ड्राइंग के अंदर बताया गया था, इस ऑल ड्राइंग में उसमें क्या क्या होता है, मान लीजिए ये कुछ फार्मूला के रूप में P2 इज इक्वल टू P1, A1 बाई A2 इज इक्वल टू P1 बाई D1 बाई D2. ओके, फॉर्मूला दिखा रखा है यहाँ. इसमें आप कुछ जो सिम्टम्स हमने यूज लिए हैं वह देखिए, वेयर P2 स्टैंड फॉर D2 एंड A1 A2 क्या है, किसके लिए उपयोग लिया है ये बताया गया है. D1 एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर है, T2 डायमीटर ऑफ फिक्स्ड रैम है कि रैम तो सिलेंडर के अंदर मूव करेगा. A1 है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर है, A2 है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिक्स्ड रैम है, P1 है जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ लो
लो प्रेशर पर जो लिक्विड है उसका प्रेशर कितना है, वो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ लो प्रेशर लिक्विड। ऐसे ही आप देखें पी टू इंटेंसिटी, वो आपका हाई प्रेशर होगा, तो पी टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड। ओके, अब यह जो दूसरा फॉर्मूला और यहाँ दिखाया गया है क्यू टू इजिकल टू क्यू, आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है एज पर योर डिप्लोमा स्टूडेंट लेवल एंड, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ये चीज़ें निकाली जाती है और इनका क्या रोल प्ले होता है, यानी कि मशीन के अंदर मैकेनिकली यानी कैलकुलेशन के फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ओके, क्यू टू इजिकल टू क्यू वन ए टू बाई ए वन बराबर क्यू वन बाई ए टू बाई डी वन कैप अप टू, एंड यहाँ पे भी कैप अप टू था, वेयर एल इजिकल टू स्ट्रोक लेंथ है राइट ए वन एल, देन वॉल्यूम ऑफ लो प्रेशर लिक्विड ए वन एल एंड वॉल्यूम ऑफ लो प्रेशर लिक्विड, एंड ए टू एल वॉल्यूम ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड, क्यू वन एल रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द लो प्रेशर लिक्विड, एंड सिमिलरली क्यू टू विल बिकम द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड, और इनके द्वारा हम इनके कैलकुलेशन करके प्रेशर के वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको और थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ इंटेंसिफायर को, जैसे अभी एक बड़ा बॉक्स लीजिए राइट, एक ये बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर एक छोटा है राइट, और इसके अंदर एक छोटा है। अब ये छोटे वाले को मैं रैम कह रहा हूँ, ऐसे ही एक बड़ा सिलेंडर फिक्स है ना, एक इसमें रेडियस वाला, तो यानी कि जब यहाँ मैं यहाँ से इनपुट देता हूँ इसमें, यानी कि इसमें मैं प्रेशर रिड्यूस करता हूँ, तो यहाँ पोर्ट है तो यहाँ प्रेशर आएगा इस पर, जो इंटरनल वाले पे अप्लाई करेगा फोर्स, तो इसको नीचे डायरेक्शन पुश करेगा, तो यहाँ जो प्रेशर है पी वन, इसका जो क्रॉस सेक्शन ले रही है ए वन, तो यहाँ जो मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ थोड़ा इश्यू आया हुआ है इसलिए, ये रैम है आपका जो इसमें मोमेंट हो रहा है, तो रैम में जब मैं इसमें मोमेंट प्रेशर अप्लाई यहाँ से कर देता हूँ इनपुट मान लो, तो ये इसको पुश करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो ये जो चेंज आएगा वो आउटपुट के रूप में यही नहीं, यहाँ जो वी वन वी टू और इसमें वेंट पाइप होंगे जिनको आउटपुट के रूप में होंगे, और इनपुट के रूप में ये आपको इस चित्र के माध्यम से समझा लिया और बता गया। इसमें अगर आप देखें इन किस तरीके से इनका फ्लो कंट्रोल हो रहा है, तो यहाँ दो चीज़ों का दिखाया गया, तीसरा रैम यहाँ दिखाया गया है, तो इसका रिलेटिव स्टडी यहाँ देख सकते हैं। तो रैम का जब लो प्रेशर है यहाँ फिर लार्ज सिलेंडर में एंट्री होती है एंड एंड सो ऑन, तो बेसिक अरेंजमेंट ऑफ यहाँ ड्राइव का सिस्टम बताया गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप थोड़ा और इसको इस पैटर्न के आधार पर तैयारी करेंगे और देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आप इसको अच्छे से यूज लीजिए, अपना ब्रेन इस्तेमाल करिए, कुछ बेसिक से इनपुट देने का प्रयास किया गया। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।